संवाद का मूल में यही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या आप बता सकती हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ शिवांगी? सर सुन नहीं पाए हम, थोड़ा सा सर ट्रेवल कर रहे ना तो वो फंस रहे सर। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, रिवाइज कर दीजिए। अच्छा, कोई एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस एको ब्रह्म, ब्रह्म एक है, दूसरा और कोई नहीं है। इसका हिंदी अनुवाद ये हुआ, ब्रह्म एक है, दूसरा कुछ भी नहीं। इसका मतलब क्या हो? आप लोग हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्यार्थी। सर एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। अनुज बोल रहे हैं। जो सर एक ही ईश्वर को मानते हैं लोग, ब्रह्म। हाँ अच्छा, ये बताइए आप लोगों ने नागार्जुन का नाम सुना है? किसी बच्चे ने नागार्जुन? नागार्जुन एक बौद्ध थे जिनके नाम पर कोई नहीं, कवि थे सर। बताइए शुभांगी, बताइए शुभांगी जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, तो मैं ही बोल रहा हूँ। अब आप लोग मुझे सुनिए। और पुष्पिता बनर्जी ज्वाइन किया है और सब बच्चे ज्वाइन किए, सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। जो शून्यवाद है, शून्यवाद के प्रवर्तक का नाम है नागार्जुन। ये बौद्ध हैं, ये पहली शताब्दी ईस्वी सन के हैं। और ये शून्यवाद का अर्थ है कि इस जगत में कुछ है नहीं, अंततः सब शून्य है। और आप सब लोग चाहे तो मुझे इनकरेज करने के लिए, गुरुजी ऑलरेडी इनकरेज हैं, इनकरेज करने के लिए कोई एक बच्चा चाहे तो कहे यस सर या जी सर कहता रहे, जिससे मुझे लगे कि कोई सुन भी रहा है मुझे। ठीक है ऐश्वर्या, आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, आप हमको बोलते रहेगा एक चार पांच वाक्य के बाद यस सर, चलो आप सुन रहे हैं मुझे। ठीक है, मैं जान रहा हूँ सभी बच्चे सुन रहे हैं। तो शंकर ये नागार्जुन ने कहा कि ये शून्य है, पूरा जगत शून्य है। इसी शून्य, शून्य माने कुछ नहीं होना। ये बताइए उन्होंने ज्वाइन किया है, क्या नाम है वो पूर्णिया वाली जो बच्ची है, श्वेता ना, क्या नाम है, कौन राय है वो? श्रेया राय। श्रेया राय ज्वाइन की है, श्रेया राय बनारस आ चुकी है, कोई बात नहीं, नहीं ज्वाइन किया तो नहीं ज्वाइन की है। आलोक जी, जी जी सर, जरा श्रेया राय को फोन मिलाइए, आप मिला पाएंगे कृपया, मिला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिला करके कहिए कि अब घर से गार्जियन का परमिशन लेके आप आ गई है बनारस में, हॉस्टल नहीं लिया है आपने, शहर में कोई कमरा लेके रह रही है लंका पर, तो उनको कहिए क्लास तो ज्वाइन करें जी। ठीक, जरा आप उनको फोन करिएगा। ठीक है, अभी तुरंत कर दे रहे हैं। हाँ ठीक। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि जो शून्यवाद है वो यही कहता है कि ये जगत जो है शून्य है, और शून्यवाद का तर्क वो कैसे देता है, ये मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, फिर आपसे पूछूंगा भी मैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं। शून्यवाद को अंग्रेजी में कह सकते हैं नथिंगनेस। नथिंग, नथिंग माने होता है कोई कुछ नहीं है, समथिंग माने है, नथिंग माने कोई कुछ नहीं, नथिंगनेस। इस विश्व के बारे में नथिंगनेस का ही अनुवाद जो है वो शून्य है। शून्य का एक और शब्द से प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं जो वस्तु है नहीं वही शून्य, या एक मैथमेटिक्स में डिफिनेशन देते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में, शून्य कहते हैं जो सबसे छोटे से सबसे छोटा हो। संस्कृत में कहते हैं उसको अणोरणीयान, अणु अणु कहते हैं छोटा, जो अणु से भी छोटा हो, सबसे छोटा हो, सबसे छोटे को सोचें आप उससे भी छोटा हो, वो शून्य है, ऐसे करके वो लोग कुछ लोग कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा जो मैंने अभी दिया उस परिभाषा में भी पूर्णता नहीं है, शून्य माने नथिंगनेस।
अब ये नथिंगनेस की जो परिभाषा है और जो शंकराचार्य का जगत मिथ्या की परिभाषा है, मिथ्या और शून्य, ये शब्द क्या मिलते जुलते हैं? ठीक है, बताइए अब हमको भी। आप बस मुझे ये सर बोलिएगा, और भी बच्चे बोल सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या नाम है इनका? हरसीमा, हरसीमा आप सुन रही मुझे? हरसीमा, हरसीमा को बहुत थकान हो जाती है, बेचारी सो जाती है। हरसीमा बोलिए, सुन रही मुझे? हरसीमा आप मुझे सुन रही हैं? आप बोलिए, तेजी से बोलिए। हेलो, आप हॉस्टल में आ गई हरसीमा? हरसीमा आप हॉस्टल में हैं? चलिए आप चुप रहिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, जान लीजिएगा कि आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बात है, हॉस्टल में तो बहुत अच्छी इंटरनेट की सुविधा है। बहरहाल, तो जो शून्यवाद है और जो मिथ्यावाद है, ये मिथ्यावाद और शून्यवाद एक ही है। इसीलिए शंकराचार्य को कुछ लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि वह एक छुपे हुए बौद्ध है। प्रच्छन्न बौद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। प्रच्छन्न में होता छिपा हुआ, एक छिपा हुआ बौद्ध है। और जो ये तर्क उन्होंने दिया कि जगत शून्य है, ये तर्क वो इस आधार पर पहुंचते हैं, उनका उनका तर्क है कि जो चीज अभी है वो दूसरे क्षण नहीं, जो दूसरे क्षण है वो तीसरे क्षण नहीं, इसको क्षणिकवाद कहते हैं, या गौतम बुद्ध के दर्शन में इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, उत्पन्न होते हुए प्रतीत होना। जब आप लोग हेरिटेज मैनेजमेंट के रूप में विद्यार्थी या जो भी आप जब लेक्चर देंगे स्वदेश के लोगों को और विदेश के लोगों को भी, तो आप बताएंगे कि हमारे दर्शन की, हमारे देश के चिंतन की क्या धरोहर परंपरा है। और फिर किसी ने, मान लीजिए विदेशी ने या स्वदेशी ने पूछ दिया कि आपके यहाँ शून्यवाद क्या है या मिथ्यावाद क्या है, तो आप बताएंगे, शंकराचार्य को बताएंगे या नागार्जुन को बताएंगे, और शून्यवाद ऐसे बताएंगे आप कि किस तरह से ये जगत है, दिख रहा है कि है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि एक क्षण पहले है तो दूसरे क्षण नहीं है। जैसे गंगा जी के जल में, जिस जल में आप स्नान करेंगे, दोबारा फिर उसी जल में ही स्नान कर पाएंगे, वो जल बह जाएगा, निकल जाएगा वहां से। वैसे ही जो आपका कल है, जो आपका कल बीत गया है, अब वो कभी नहीं आएगा। जो आप बचपन में थे वो अब कभी नहीं आएगा, थे जरूर आप, लेकिन वो अब नहीं है। नहीं होने को ही समाप्त हो जाना या खत्म हो जाना कहते हैं। इस जगत की प्रकृति समाप्त हो जाने की है, खत्म हो जाने की है। और गौतम बुद्ध ने और जो लोग भी ध्यान किए, उन्होंने जगत के इस मिथ्यात्व को, मिथ्यात्व माने मिथ्या शब्द का और भाववचक, डबल भाववचक संज्ञा है ये। जगत मिथ्या है, मिथ्या जो है, चलिए आप नाउन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं या एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करिए, और मिथ्यात्व एडजेक्टिव का एडजेक्टिव है। तो ये जो जगत का मिथ्यात्व है, इस मिथ्यात्व को गौतम बुद्ध ने देखा। गौतम बुद्ध मिथ्यात्व के बारे में कैसे जाने? उनके ज्योतिषियों ने उनके बचपन में बताया कि बच्चे को बाहर मत निकालिएगा, संसार में ये जाएगा तो ये सन्यासी हो जाएगा, या तो सन्यासी हो जाएगा या ये चक्रवर्ती राजा होगा। तो चक्रवर्ती राजा होगा तो ठीक होगा, लेकिन सन्यासी होगा तो कैसे राजपाट चलाएगा? और उनके पिताजी का राजपाट चलना था। क्या नाम था उनके पिताजी का, बताइए? ऐश्वर्या बताइए, अश्विनी बताइए, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? आलोक, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, जरा इंटरनेट पर देख के बताइए तो। बिल्कुल बिल्कुल, दो मिनट दीजिए सर, मैंने अभी जस्ट आपके कहने पर शेयर को कॉल किया था, वो उनका फोन शायद खराब है, स्विच ऑफ है। हाँ, तो क्या है, स्विच ऑफ करके आराम से बरसात में पानी बरस रहा है, सोने में अधिक आनंद आ रहा था। नहीं कोई बात नहीं, चलिए उनका प्रॉब्लम होगा, जो भी बच्चे का होगा। प्रॉब्लम का नाम था शुद्धोधन। हाँ, शुद्धोधन। और वो किस वंश के थे, वो कहाँ था उनका राज्य? सर, राज्य का लोके डायनेस्टी के थे वो शायद। ठीक, वेरी गुड।
और कहां इस समय शाक्य डायनेस्टी का वो राज्य आज कहां दिखाई देता है। सर शाक्य डायनेस्टी इसका सर नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, तो ऐश्वर्या आप तो गाजीपुर की हैं, गाजीपुर से मैं बाई रोड जो है गौतम बुद्ध के जो स्थल है वहां पर जब पहुंचना चाहूंगा तो गोरखपुर होते हुए क्रॉस करके एक जगह लुम्बिनी है, नेपाल में है। नेपाल में है लुम्बिनी, नेपाल तो हाँ, तो गौतम बुद्ध का जो पूरा इलाका शाक्य मुनि का जो इलाका है वो इलाका उसी इलाके को आप कह सकते हैं जिसमें कि आप गोरखपुर को जोड़ते हुए नेपाल को जोड़ते हुए शाक्य वंश का वही इलाका है। ठीक है सर, वहाँ पे एक अशोक के टाइम का वो भी लगा हुआ है ना स्टोन इंस्क्रिप्शन जिसपे लिखा हुआ है, और अशोक का एक एक वो जैसे सारनाथ का शिला है, शिला जिस पर लॉयन बना हुआ है, शेर बना हुआ है, वो लुम्बिनी नामक जगह में वहाँ बना हुआ है। लुम्बिनी का क्या क्यों फेमस है लुम्बिनी? सर वहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। हाँ, और वही वो स्टोन इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि वहाँ का कर माफ कर दिया गया था अशोक ने अपने टाइम पीरियड में माफ किया था क्योंकि वहाँ गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था तो उसको कर मुक्त कर दिया गया था। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। और ये एक आप समझिए कि जो जापान से और चाइना से और पूरे साउथ ईस्ट एशिया से और विश्व के विभिन्न कोनों से जो लोग भी भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है लुम्बिनी दी जाते हैं, और आपके जो है वो जाते हैं देवरिया में जहां उनका अवसान हुआ था, उस जगह का क्या नाम है जहां पर देवरिया में उनका अवसान हुआ था गौतम बुद्ध का जो? कुशीनगर। कुशीनगर, और कुशीनगर के साथ सारनाथ, सारनाथ के साथ गया, गया के साथ और भी जो इलाके हैं उन सब ने, लेकिन मुख्य रूप से गया, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, ये सब इलाके इंटरनेशनल ट्रेड के सेंटर, इंटरनेशनल टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म के सेंटर हैं। अगर आप कोई वेबसाइट बनाएं आलोक जी से मिल करके आप लोग, और उस वेबसाइट पर आलोक जी मुझे सुन रहे हैं आप? आलोक जी को वहां डिपार्टमेंट में बड़ा सब काम देते रहते हैं। जी जी सर, सर सुन रहा हूं। अच्छा आलोक जी, मैं ये कह रहा था कि अगर एक इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए पिलग्रिमेज टूरिज्म का अगर आप एक साइट बनाइए, एक वेबसाइट बनाइए और उसमें आप ये सर्विस ऑफर करिए कि अगर आप भारत आते हैं तो आप लोगों को हम एक गौतम बुद्ध का जो परिपथ है उसका दर्शन कराएंगे, तो कुशीनगर, लुम्बिनी, गया है और सारनाथ, इसका आप प्लान करिएगा। और हमारे जो ये बच्चे हैं इन लोगों को उसमें बताइए कि ये हमारे मैनेज, ये हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, ये लोग आपकी यात्रा को मैनेज करेंगे और उसका कुछ फीस वगैरह जब वो लोग निगोशिएट करेंगे तो आप अपना ईमेल दे दीजिएगा, उसका एक फीस तय करिए। अब विदेश से कोई आए हिंदुस्तान में 10 दिन का टूर करें इन सब इलाकों का, तो जरा प्रवीण तिवारी से पूछिएगा, या प्रवीण तिवारी तो कभी इसी बिजनेस में है तो बताएंगे नहीं, थोड़ा मदद नहीं, बिजनेस वाले लोग मदद थोड़ा नहीं करते हैं, सोचते कर एक तो नया कंपटीटर खड़ा हो गया। जी लेकिन कौन कौन सी जगह बताए आप? चार जी, चार जो स्थल बताए आप बताएं। चार स्थल, एक कुशीनगर, दूसरा जो है वो लुम्बिनी जी, तीसरा सारनाथ जी, चौथा गया। ये चार स्थल ऐसे हैं जब भी कोई भी विदेश से कोई व्यक्ति आता है तो इन सभी स्थलों पर, खासतौर से बौद्ध दर्शन का होगा, न भी बौद्ध दर्शन का होगा, इवन अमेरिकन, आजकल तो पैंडेमिक के कारण धीरे खुल रहा है, आपको पता ही है कि अमेरिकन लोग से तो आप भी जुड़े हुए हैं, माइकल रॉस वगैरह से, मेरे यहाँ तो करीब बहुत से अमेरिकन मेरे घर में ही, जैसे कह लीजिए आप मेरे घर में इंडियन कल्चर पढ़ने के लिए रहते थे, आते थे वो वहां से, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, बड़े पढ़ने में, आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, अगर मैं गलत नहीं, माफी चाहूंगा मैं आपको रोक रहा हूँ, हाँ। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपके, आप जब विभाग मतलब 2019 में आप जब आ रहे थे अपने कमरे में बैठ रहे थे तो एक टीम आई थी यूएसए की। हाँ बस 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 पकड़ लिया आपने,
वो बहुत जबरदस्त 20-25 लोग आए थे, छोटे छोटे बच्चे थे सब। हाँ, उनका सब फोटोग्राफ अगर आपके पास होगा हो सकता है। फोटोग्राफ सर हमारे फेसबुक पर होगा, हमारा फेसबुक का स्कैन करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा कहीं। अच्छा अच्छा जी जी, उसको कैंडल कैंडल है, कैंडल से लगाए थे, कैंडल साहब तो अलग एड्रेस किए थे। नहीं नहीं, वो तो अलग किए थे, कुछ बच्चे आए थे। ये बच्चे जो थे वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप है, बनारस में बड़े अमेरिका के यूनिवर्सिटीज के बड़े ग्रुप आते हैं बच्चों के, जो यहाँ पर 10 दिन या 15 दिन रह करके जिन स्थलों का नाम लिया मैंने, वो सभी बच्चे गया जरूर जाएंगे, बोध गया ही बच्चे जाते हैं। हमारे क्लास में जितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, हमें लगता है कि कोई बच्चे गया गए हैं, बोध गया गए हैं आप लोग, जैसे पहले वाले के क्लास में मयंक वगैरह थे, वो लोग बोध गया गए थे। अभी वर्तमान में जो हमारे बच्चे हैं, आप ऐश्वर्या आप गई हैं गया, बोध गया गई हैं? नो सर। कोई बात नहीं, तो चलिए अब आप लोग अभी आप अपना प्लान बनाइए, क्योंकि जब आप बोध गया ले जाएंगे सबको दर्शन कराने। दूसरी बात ये है कि थोड़ा आप सभी लोगों को अंग्रेजी भाषा भी आनी चाहिए, हिंदी तो आप लोगों को आती ही है। आती है सर, इन लोगों को आती है, ये लोग एक्सपर्ट हैं, अच्छे से बोलते हैं, बात करते हैं इंग्लिश में। हाँ नहीं, अंग्रेजी बोलते हैं हम तो अंग्रेजी में किस, चलिए हम मान दे रहे हैं कि हम सबका अंग्रेजी भाषण सुने हैं और सब लोग अच्छा भाषण देते हैं अंग्रेजी में। जी जी, इंग्लिश में जैसे यूरोप वगैरह के जो लोग आएंगे वो इंग्लिश में आपसे बात करेंगे, हिंदी उनको सिखाने का आप कह दीजिए कि सही 10 दिन में हमको हिंदी सिखा देंगे, हमारे पास एक है हुनर ऐसा। ऐसे भी बहुत से बच्चे आते हैं जो हिंदी सीखने आते हैं विदेश से, और अगर आपके हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्यार्थी ये कहें कि हम जो है वो हिंदी भी सिखाएंगे 10 दिन में आप लोगों को, तो वो भी एक मतलब वो लोग पेमेंट देते हर चीज का, अमेरिका का, यूरोप के बच्चे लोग हमारे 10 दिन आए, उनको 10 दिन में कुछ भी सिखा दिया आपने हिंदी का, तो वो लोग बहुत खुश होंगे। या इंटरनेट पर ही उनसे आप जुड़ गए तो वो आपको बहुत से इंटरनेट के माध्यम से भी आप उनको शिक्षित कर सकते हैं। जैसे आपने बायजू क्लास का नाम सुना है, बायजूज क्लासेस, बायजूज क्लासेस चलाते हैं वो, मैं सोचता हूँ वो सब तो किसी यूनिवर्सिटी से बड़े हैं, यद्यपि इंटरमीडिएट तक का ही पढ़ाते हैं वो। कोई ऐसा मतलब आजकल देख रहा हूँ बड़ा, जो भी थोड़ा भी पढ़े लिखे परिवार के बच्चे के गार्जियन लोग सोचते हैं भाई वो भी उसको भी ज्वाइन करें, बायजूज को भी पढ़े बच्चे हमारे। और आजकल इंटरनेट पर ऐसे ऐसे कोचिंग हो रहे हैं कि जो TMT के और सबके हैं, सब तो ऑनलाइन ही सब हो रहा है, लैंग्वेज सीखने की कोचिंग हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल हो रहा है। तो मुख्य बात कर रहा था वहां से मैं भटक गया, तो मैं कह रहा था कि किस तरह से जगत जो है वो शून्य है, इसके बारे में हमारे प्राचीन वैचारिक धरोहर का वो अंग है, वैचारिक धरोहर का, इसी को देख करके कई बार लोग कहते हैं कि भारत का जो दर्शन है वो बड़ा ही उसे कहते हैं संसार विमुख दर्शन है, ये आरोप लगाते हैं संसार विमुख दर्शन। बच्चे ने जो है कुछ लिखा है, उज्ज्वल ने कुछ लिख के दिया। उज्ज्वल जो है सर बहुत ही होनहार बच्चा है, आपका विद्यार्थी है, बहुत ही एक्सपर्ट है सर, जो मैं ये टूरिज्म ऑलरेडी कर चुका है, इन्होंने कुछ वो किया है, अभी दिया है कोई वेबसाइट का एड्रेस दिया है, मैसेज में बता रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो मेरा कहना था कि अब मैं आप सभी बच्चों से ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों से अगर कोई ये पूछे कि आप तो शून्यवादी हैं, आप तो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य वाले हैं, जगत को मिथ्या कहने वाले लोग हैं, धर्म परंपरा आपके यहाँ की जगत को मिथ्या समझना, तो ये बताइए कि आप लोग सांसारिक भी हैं क्या, और आप भारतीय संस्कृति के जो धरोहर को जानने वाले लोग हैं, भारतीय संस्कृति को सांसारिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे, आपके भारतीय संस्कृति के जो टैंजिबल प्रमाण है, टैंजिबल मैंने जो छू करके जाना जा सके, जो टैंजिबल एविडेंसेस है पूरे कल्चर के, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, और उन मॉन्यूमेंट्स के साथ साथ बहुत से जीवन के संदर्भ में तमाम प्रकार के चित्र मिलते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर खजुराहो ही कोई विजिट कर ले, खजुराहो के टेम्पल्स में बनी हुई तमाम जो जिसे कहते हैं इरोटिक चित्रों को देख ले, और बहुत सी जगहों पर उस तरह के इराटिक चित्र मिलेंगे। तो भारत की संस्कृति एक सन्यासी संस्कृति है या एक सांसारिक संस्कृति है, इसके बारे में
आप लोगों का क्या सोचना है बच्चे लोग बताइए? भारत की संस्कृति को सांसारिक कहेंगे, परासांसारिक कहेंगे, है जिसे कहते हैं ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल माने होता है जो जगत से परे जाकर के सोचे, परा जगत। तो हम अभी अपने बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप अपने पूरी संस्कृति को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को, क्या ये सांसारिक है या हमारा ड्राइवर? बताइए अपूर्वा, आप बताइए। आप भी यू आर ऑल्सो ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू अपूर्वा, कैन यू हियर मी? अपूर्वा, यस सर, हैव यू कम टू वाराणसी? आप वाराणसी आ गए हैं? नो सर। यू वॉन्टेड टू ज्वाइन हॉस्टल, स्टिल यू वॉन्ट टू ज्वाइन हॉस्टल? यस सर। ओके, so when you are going to come to Varanasi? Sir, actually I was about to come on 19, but my ticket did not confirm, so I'm waiting for the next reservation ticket. Okay, actually what is happening that the university has just I'm sharing with you and all the students that university has less accommodation in hostel, so those who come first they are given first. Now we have given almost 6 students. क्या मालूम की 6 लोगों को हॉस्टल दे दिया है लड़कियों में ना? बिल्कुल, 7 को दिया है, 6 की 7। सर होना तो है बहुत ही कम, 3 ही को होना है, अब लेकिन 6 हुआ कि 7 हुआ है? जी 6 को हो गया, 6 हो गया। जी जी, हमारे पास 6 सीट ही है, लेकिन हमने आलोक जी से कहा कि अपूर्वा आएंगी तो इनको भी कहीं से एडजस्ट किया जाएगा हॉस्टल में। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप आए, मतलब मैं कोई जोर नहीं दे रहा हूँ कि आप आए ही, आप घर पर ही रहकर पढ़ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप आकर हॉस्टल में बीएचयू का हॉस्टल का जीवन बिताना चाहते हैं तो आप आइए, आपका एडमिशन हम लोग करवाएंगे। यद्यपि हमने अपनी सभी सीटें भर दी है हॉस्टल की, लेकिन फिर भी आपके लिए हम पूरा स्पेशल अनुनय विनय करेंगे, प्रशासन से कहेंगे अरे भाई हमारे एक बच्ची को रख लीजिए। तो नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन, what do you think about Indian culture in historical perspective? Is it a worldly culture or is it an otherworldly culture? You understood what I said, Apurva? No sir, not clearly. Oh, तो मैं ये कह रहा था कि कोई व्यक्ति भारत की संस्कृति का अध्ययन करके क्या कहेगा कि ये सांसारिक संस्कृति है? जैसे आपने यूनान की संस्कृति के कुछ चित्रों को देखे हैं आप, बताइए पूर्वा, यूनान के संस्कृति में हरक्यूलिस को देखा है आपने? हरक्यूलिस का चित्र देखा है आपने? बताइए। यस सर। आपने जो वहां की सुंदर सुंदरता की देवी है, उस सुंदरता की देवी के कोई चित्र देखे हैं आपने यूनान के संस्कृति के, जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है, जो वीनस है, उनके कोई फोटोग्राफ देखे हैं आपने? आपने यूनान के संस्कृति के फोटोग्राफ देखे हैं? यस सर, यस सर। तो उन संस्कृति को देखकर क्या लगता है कि यूनान के लोग सांसारिक थे या परासांसारिक थे? परासांसारिक सांसारिक का अर्थ होता है अंग्रेजी हिंदी में कहेंगे वर्ल्डली, वर्ल्डली माने सांसारिक, परासांसारिक माने ट्रांसेंडेंटल। आप बताइए कि यूनान के संस्कृति के लोग सांसारिक दिखते हैं अपने चित्रों के माध्यम से, अपने मूर्तियों के माध्यम से, या परासांसारिक दिखते हैं? आप चाहे तो कह सकते हैं, नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आप पूछ रहे हैं, आप दोबारा कह सकते हैं तो मैं आपसे नहीं पूछता। समझ में आया? सर मेरे ख्याल से परासांसारिक। कैसे? मैंने आपने अपने ख्याल से बताया, लेकिन उसको कोई आपने अपना माइंड लगाया, लेकिन उसे लॉजिक क्या दिया? सर मतलब जो इमेजेस देख के पता चलता है, तो जैसे जिस तरह से वस्त्र धारण करते हैं या जिस तरह से त्रिशूल वगैरह होल्ड करते हैं या जो भी, हाँ तो इससे ये कह सकते हैं सर कि वो काफी अलग है, मतलब वर्ल्डली
चीजों से अलग है। ओहो, अच्छा कोई बात नहीं, वो सांसारिक नहीं दिखते हैं, पूरे संसार के उनके हरक्यूलिस की बॉडी देखिए, बॉडी के एक एक मसल्स दिखाई देती, लगता है कोई हीमैन खड़ा है। हीमैन की पर्सनालिटी जो है वो सांसारिक न होगी, ये बताइए कि ये जो सलमान खान है वो सांसारिक है कि आध्यात्मिक है? नहीं होगा आध्यात्मिक अंदर, जी सर मैं समझ गया, सांसारिक, जी सर सांसारिक है जी सर, जो दबंग और कौन कौन फिल्म करने वाला बच्चा है वो सांसारिक तो है, वैसे ही वहाँ के जो जो भी फोटोग्राफ्स उनकी लड़कियाँ उनके पुरुष सब बड़े सांसारिक दिखते हैं। और भारत में गौतम बुद्ध की मूर्ति देखने का कोई एकदम शांत कोई ध्यान की मुद्रा लगाए हुए व्यक्ति गौतम बुद्ध की प्रतिमा को देखेंगे तो आप कह देंगे कि ये कोई और जगत के बारे में कुछ सोच रहे हैं, ये परा सांसारिक है, गौतम बुद्ध परा सांसारिक है और हरक्यूलिस सांसारिक है। और गांधार कला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, बच्चे लोग गांधार कला नाम सुना है? गांधार कहाँ है पता है बच्चे आप लोगों को? बताइए ऐश्वर्या, गांधार कहाँ है? गांधार सर करंटली ये पाकिस्तान वाले साइड? नहीं ये पाकिस्तान नहीं, ये अफगानिस्तान में गांधार, जिसे कंधार कहते हैं, कंधार कोई गांधार है। और गांधार की एक लड़की भारत में जो यहाँ पर दिल्ली है जहाँ इंद्रप्रस्थ है वहां का एक राजा था कौरव राजा, उससे उसका ब्याह हुआ था, उस लड़की का क्या नाम था जो गांधार से आई थी? कोई बच्चा बताए? गांधारी थी। गांधारी ने आंख में पट्टी क्यों बांध लिया था पता है आप लोगों को? सर क्योंकि उनके जो पति थे वो अंधे थे इसलिए उन्होंने भी अपनी आंखें बांध ली थी। महाराज मैं आपसे कोई ये नहीं पूछूंगा, वैल्यू जजमेंट नहीं कराऊंगा आपसे कि गांधारी ने अच्छा किया कि गलत किया, लेकिन गांधारी ने किया। तो महाराज मैं मुख्य बात कर रहा था गांधार कला के बारे में बात कर रहा था। गांधार कला जो है वो उस इलाके में गौतम बुद्ध की और तमाम स्त्रियों की जो प्रतिमाएं मिली हुई हैं गांधार कला में, आप इंटरनेट पर टाइप करेंगे। आलोक जी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गांधार कला लिख करके आप जरा देखिए क्या क्या चित्र आ रहा है। जी बिल्कुल, बस दो मिनट दीजिए। तो गांधार कला में गौतम बुद्ध को मस्क्यूलर दिखाया जा रहा है, हेरक्यूलिस की तरह दिखने लगते हैं। जहां गौतम बुद्ध के चेहरे पर एक हेलो बना है, एक जैसे कोई दैदिप्यमान उनका चेहरा है और वो किसी अध्यात्म में डूबे हैं, किसी दूसरी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं। वही बोला वो क्या था जैसे? जी सर, सुन पा रहे हैं सर? हाँ कह रहे हैं गांधार कला के चित्र आपको दिख रहे हैं, आप लिखिए दी स्टैचूज ऑफ गांधार आर्ट, गांधार आर्ट के स्टैचू देखिए मिले आपको एक मिनट, या इमेजेस ऑफ गांधार आर्ट, आई इमेजेस या स्कल्पचर ऑफ गांधार आर्ट, जी बिल्कुल आ तो रहा है। उसमें गौतम बुद्ध को बस दिखाइए या गौतम बुद्ध इन गांधार आर्ट, ये कर दीजिए। सर ये गंधर्व है कि गांधार आर्ट? गंधर्व तो दूसरा होगा, गंधर्व गांधार, जी गांधार होगा सर, गांधार करिए,
गंधर्व तो नाचने गाने वाले को कहते हैं। गांधार वो मत लगाइए, गांधार GANDHAR गांधार, गांधार आर्ट, गांधार, हाँ ये गांधार साम्राज्य आ गया। उसमें यह लिखे गांधार, फिर बौद्ध, बौद्ध प्रतिमा करिए, बौद्ध स्टैच्यू गांधार, हाँ ये देखिए गौतम बुद्ध दिखाई दिए, ये गांधार आर्ट के जो गौतम बुद्ध हैं, आर्ट ऑफ गांधार, इसमें इसमें गौतम बुद्ध का जो अपीयरेंस है उसके बारे में लोग कहते हैं, इतिहासकार जो आर्ट के विशेषज्ञ हैं, वो गौतम बुद्ध को देखिए, गौतम बुद्ध के हाथ को देखेंगे थोड़ा मस्क्यूलर हाथ है उनका, मसल्स है वो, एक कंधे को देखिए, उनके वक्षस्थल को देखिए, उनके पूरे व्यक्तित्व को देखेंगे तो लगेगा जैसे कोई एक एक बहादुर व्यक्ति, एक एक शारीरिक सौष्ठव से संपन्न है, जिसके व्यक्तित्व में शारीरिक सुंदरता एक खास तरह से है। यद्यपि गौतम बुद्ध जो मुद्रा धारण किए हैं वो सभी मुद्राएं गौतम बुद्ध की ओरिजिनल जो अध्यात्म की मुद्राएं हैं उन सबसे रिलेटेड है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में ये एक दिखता है कि जैसे एक कोई एक शरीर सौष्ठव पर, शरीर सौष्ठव का जो भी अंग्रेजी होगा आप लोग जान लीजिएगा, माने दी ब्यूटी ऑफ द बॉडी है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ब्यूटी ऑफ द बॉडी को जो है वो ग्रीक आर्ट में बहुत दिखाया गया है, ब्यूटी ऑफ द बॉडी, और इंडियन आर्ट जो है प्राचीन जो भारतीय आर्ट है वो आर्ट ब्यूटी ऑफ द बॉडी भी दिखाया है, जैसे अगर आप जैसे कहते हैं कि दीदारगंज की यक्षिणी, ये क्या नाम है, आप लोगों ने दीदारगंज की यक्षिणी देखा है, जरा देखिए जी आलोक जी, दीदारगंज की यक्षिणी लिखिए, दीदारगंज की यक्षिणी, दीदारगंज फिर यक्षिणी, हाँ की यक्षिणी, ठीक लिखा आपने, क्विक करिए, हाँ ये देखिए आ गई दीदारगंज, दीदारगंज की यक्षिणी को देखने से क्या लगता है आप लोगों को, ये दीदारगंज की यक्षिणी जो है ये बता रहे हैं कि भारत की संस्कृति में, और दीदारगंज की यक्षिणी इतिहासकार कई कई समय देते हैं तो तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व की है, हाँ ये है देखिए, ये दीदारगंज की यक्षिणी को देख करके क्या लगता है कि जो कलाकार या जो इलाका था या जो लोगों का सोच था जो इनको बनाए थे वो क्या सांसारिक लोग थे या परा सांसारिक थे, तो देख करके ये कह सकते हैं कि ये एक सांसारिकता को प्रकट करता है, सांसारिकता को प्रकट करता है, जो आर्ट के मर्मज्ञ होंगे जैसे प्रियंका त्रिपाठी हैं, वो आर्ट की बड़ी मर्मज्ञा हैं, उन्होंने आर्ट पर ही पीएचडी किया है तो मेरे ही अंडर में, लेकिन वो आर्ट की अच्छी उन्होंने किया, गौतम बुद्ध के समय के स्कल्पचर पर उनका पीएचडी है। तो महाराज मैं जो शुरुआत कर रहा था आपसे कि कैसे जो है वह भारत की संस्कृति को ओवरऑल क्या कहेंगे, अभी आप कृष्ण वासुदेव को देख लेंगे, हमारे जो कृष्ण है श्री कृष्ण जो टेढ़े से खड़े होते हैं और मोर का पंख लगाए हैं बांसुरी बजाते हुए हैं, तो कृष्ण का है क्या है, कृष्ण को आप सांसारिक कहेंगे कि परा सांसारिक कहेंगे, तो मैं कहूंगा कि कृष्ण को ये कहा जा सकता है जो गीता शास्त्र में उन्होंने उपदेश भी दिया है कि उन्होंने कहा कि संसार में रह करके संसार से आप देखिए गौतम ये कृष्ण का प्रतिमा आ गई, तो वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण के बारे में जब चर्चा करते हैं तो लगता है कि ये एकदम संसार के हैं, लेकिन संसार से अलग होने की व्याख्या करते हैं, तो भारतीय संस्कृति में जो संसार है और ये पूरा का पूरा जो उपनिषद का ज्ञान है
जो आपके गीता का ज्ञान है वो है कि संसार में रह करके संसार में लिप्त न होना। एक शब्द है लिप्त, लिप्त होना मतलब होता है कि संसार से एकदम संसार ही सब कुछ, ऐसा न मानना, ये जानना कि संसार है लेकिन ये संसार, गौतम बुद्ध भी इसी बात को कह रहे हैं कि भाई संसार में जो है दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है और दुख को दूर करने का उपाय है। और गौतम बुद्ध के चार आर्य सत्य जो है, जो सारनाथ में जो उन्होंने उपदेश दिया था, उन्हीं उपदेशों से ये बात निकल करके आती है। और उसका मुख्य तथ्य होता है वो संन्यास, क्योंकि गौतम बुद्ध के दर्शन से प्रभावित होकर के एक खास किस्म का संन्यास जो है भारतवर्ष में व्याप्त होता है, संन्यास धर्म। और उस पर बड़े लोग निंदा भी किए हैं कि गौतम बुद्ध के संन्यास धर्म का पालन करने से जब भारत में विदेशी लोग हमला किए तो उन विदेशियों से लोग टक्कर नहीं ले पाए, तो उसमें जो टक्कर लेने वाले जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे या उनके गुरु चाणक्य थे, वो लोग बौद्ध नहीं थे, वे लोग एक खास भारत की जो ब्राह्मण परंपरा जो है उस परंपरा से लगे हुए थे, तो उन लोगों ने संघर्ष किया, बाद में बौद्ध धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। गौतम इनका अशोक का ही जो क्या कहेंगे उसे, अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है, बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन वो भी बहुत युद्ध करने के बाद सन्यासी हो गया, सन्यासी का भाव हुआ और पूरे भारतवर्ष में उसने लिखवाया कि धर्म क्या है और धर्म पीएम क्यू ए धर्म, और पूरे देश भर को बताने की कोशिश किया। बहरहाल ये सब बातें हमने आपके सामने इसलिए रखा कि मैं जो है वह थोड़ा चाहता था कि इससे भी परिचित हो। और फिर मैं अर्बनाइजेशन के बारे में बात कर रहा था कल कि नगरीकरण और जो ग्रामीणकरण है, ग्रामीणकरण और नगरीकरण की पूरी प्रक्रिया पर ही बात करना चाहता था, उसी बात करने के संदर्भ में ही मैंने ये बातें सांसारिक और परासांसारिक बातें उठाई। तो मैं अपने खुद प्रश्न किए गए प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, जो मैंने कहा कि भारत की संस्कृति सांसारिक है कि परासांसारिक है। तो हम जब पूरे भारतवर्ष का सर्वेक्षण करते हैं, हम भारतवर्ष में अब आप चलिए अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश से लेकर के और पूरे दक्षिण में आप कोलंबो वगैरह तक चले जाइए, इन सब के मॉन्यूमेंट्स का जब आप अध्ययन करेंगे, नगरों का अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि भारतवर्ष एक भले ही सन्यासी प्रवृत्ति का देश रहा है आप, लेकिन यहाँ पर लोगों ने संसार के संदर्भ में जो निर्माण है उनमें कोई, जैसे कहा जाए, कोई पिछड़ापन नहीं था। ये परासांसारिक होकर के भी, परासांसारिक माने ट्रांसेंडेंटल होकर के भी, संसार की वस्तुओं में इन लोगों ने बड़ी गंभीर रुचि दिखाई, भारत के लोगों ने, और बहुत से निर्माण कार्य किए। संसार की जो ये भौतिकता है, इस भौतिकता के बारे में इन लोगों ने बड़े गंभीर ढंग से सोचा, समझा और वर्णन किया। इसीलिए भारत में आप देखेंगे कि ज्ञान की कोई ऐसी विधा नहीं है, ज्ञान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र पर भारत के, प्राचीन भारत के लोगों ने काम न किया हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो खगोल विद्या हो, वनस्पति शास्त्र हो, चिकित्सा शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, फिर नगर नियोजन हो, नगर विन्यास हो, और इन्हीं के साथ और भी जो वैज्ञानिक बात जिसे आप कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उन सब से भी वो संपन्न रहे। परंतु उस वैज्ञानिकता में रहने के बावजूद भी उन लोगों का एक मन, जैसे वो कहीं पर एक मन कहीं और है, उनके मन में है कि ये संसार जैसे कोई ट्रेन में जा रहा है, बनारस से बैठा दिल्ली तक जाकर के उतर जाएगा, तो ट्रेन में जिंदगी भर तो नहीं बैठे रहेगा। वैसे ही वो लोग जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते थे, एक आश्रम है जो जिसे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ऐसे पूरे 100 वर्ष को बांट करके उन्होंने जीवन व्यतीत किया। और इस तरह से यह एक एक जैसे कोई बहुत परम संन्यास की तैयारी कर रहा हो, परम संन्यास की तैयारी के लिए पूरा जीवन व्यतीत किया जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति जो परम संन्यास की तैयारी करने वाली संस्कृति है, इस संस्कृति में
संन्यास का तत्व जो है वह है, परंतु संन्यास का तत्व होने के बावजूद भी भारत के लोग एक सांसारिकता में बहुत ही प्रबल ढंग से उन्होंने परफेक्शन अचीव किए। परफेक्शन शब्द होता है माने एकदम परफेक्ट काम करने वाले, परफेक्ट रथ बनाए, परफेक्ट आयुध बनाए, परफेक्ट इवन रॉकेट वगैरह के बारे में भी उनकी तमाम जानकारी थी। वायुयान बनाए, वायुयान मतलब होता है जो आज तो वायुयान आप देखते हैं, लेकिन पुष्पक विमान की चर्चा होती है अपने प्राचीन भारत में, कि एक ऐसा विमान है जिस पर कितने ही लोग बैठ जाएं तो एक सीट खाली रहेगी। अब जिस समय पूरे विश्व में वायुयान 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से एरोप्लेन वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन भारत के बहुत प्राचीन ग्रंथ जैसे रामायण जो वाल्मीकि रामायण वगैरह है या महाभारत, उन सब में वायुयान की चर्चा है। कई बार लोग इतिहासकार कहते हैं और बहुत से वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर वायुयान की चर्चा है तो वायुयान की टेक्नोलॉजी भी रही होगी। तो लोग कहते हैं कि वायुयान की टेक्नोलॉजी कहाँ थी, तो अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बता रहा था कि अगर वो सही नाम मैं उच्चारण कर रहा हूँ, गुरुवायूर है, या जो भी एग्जैक्ट ऐसे प्रोनाउंसिएशन होगा, कर्नाटका में एक मंदिर है गुरुवायूर है, हो सकता है मैं गलत ही उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही है वहां के जी कोई बच्चा मुझे करेक्ट कर रहा है, बताइए। अच्छा ठीक, गुरुवायूर के मंदिर के पृष्ठ पर जो बहुत बड़ा है वो पत्थर का बना हुआ कर्नाटका में, उस पर पूरी टेक्नोलॉजी वायुयान की टेक्नोलॉजी लिखी हुई है, कैसे वायुयान बनाया जाए, और वो बहुत पुराना है, प्रमाणित है कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी लिखी है। कि आप लोगों को पता है वायुयान का सिद्धांत क्या है, कोई वस्तु वायु में कैसे उड़ती है, उसका सिद्धांत कोई बच्चा बता सकता है? उसका सिद्धांत वही है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से आपने पढ़ा होगा, तैरने का सिद्धांत। तैरने का सिद्धांत आप लोगों में से सब लोग, ऐश्वर्या आप बताइए, आपने तैरने का सिद्धांत पढ़ा है कभी? कोई वस्तु किसी द्रव में कैसे तैरती है? यस सर, प्रिंसिपल में पढ़ा था। हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है क्या कहता है वो जरा बताइए। तो क्या है किसी भी चीज की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी तो वो पानी पे फ्लोट करेगी, और डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, वो ज्यादा वेट का होगा तो वो पानी में सिंक कर जाएगी। करेक्ट। उसी तरह से वायु में भी, वायु के डेंसिटी से अगर कोई चीज हल्की होगी तो वायु में उड़ जाएगी। तो जो एरोप्लेन होता है उसके जो पंखे होते हैं इतना अधिक वो पूरे वेट को हल्का कर देते हैं कि वो वायु में उड़ जाता है एरोप्लेन। बस सिंपल फिलॉसफी है, लेकिन उसको उतना तेज नचाने के लिए ताकत कहां से आएगी? जैसे आजकल ताकत फॉसिल ऑयल से है, फॉसिल ऑयल बने जो आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसको बहुत रिफाइंड करके यूज करते हैं। तो भारत के प्राचीन भारत में टेक्नोलॉजिकली लोग बहुत ही एडवांस्ड थे, इस वर्ल्ड में बड़ी रुचि लेते थे। और अगर आप जो महाभारत सीरियल वगैरह देखे होंगे, भले ही वो कल्पना पर आधारित है, लेकिन उस सीरियल में जो पांडवों का घर बनाया जाता है, उस पांडवों के घर में इंद्रप्रस्थ और खांडव प्रस्थ, ये सब नाम आता है वहां पर, जो वर्तमान दिल्ली के आसपास का जो इलाका है, वहां पर ऐसा सुंदर जो है महल बनाया जाता है कि वो दुर्योधन उस महल से जब गुजरता है तो उसमें से जैसे लगता है कि पानी है आगे, तो पानी रहता है वो थल स्थल होता है माने लैंड स्थल होता है, उसे लगता है कि पानी, ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो वो जल के स्थल को ऐसे मूव करता है जैसे लगता है कि ये जल स्थल जो है पानी है, और वो जब वो ऐसे मूव करता है तो द्रौपदी उसको देख करके एक व्यंग करती है। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि द्रौपदी ने दुर्योधन पर क्या व्यंग किया उस समय? यस सर, द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा। हाँ, बहुत खराब बात बोल दिया अब भाई, तो उसको लग गई बात, और उस लगने पर जो कुछ भी हुआ सब आप लोग पढ़े ही हैं। लेकिन मुख्य यह कि वो जो किला जो मय नामक एक दानव ने जो है बनाया था, जो
टेक्नोलॉजी वगैरह के जो लोग विद्वान हैं उनको दानव कहा गया, माने एक एक अलग ही उनकी कैटेगरी दी गई कि वो सब ऐसे करके बनाते हैं, वो बड़ी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस थी उसमें की, और वो टेक्नोलॉजी को डेवलप किए। तो पूरा का पूरा महाभारत अगर आप पढ़ डालेंगे तो महाभारत का पूरी संस्कृति का तथ्य क्या है, अल्टीमेट मैसेज क्या है, उनका अल्टीमेट मैसेज क्या है, उनका मैसेज संन्यास है। लेकिन संन्यास के साथ ही साथ वो संसार से छोड़ के भागने की बात नहीं कहते, आप अपने संसार में कर्म करिए, धन का उपार्जन करिए, लेकिन आप ये जानते रहिए लगातार कि ये संन्यास, ये संसार जो है वो ऐसा नहीं है जो आपको लगातार पकड़ करके रखेगा, आपको इसे छोड़ देना है, यही संस्कृति का जो मैसेज है। अब हम लोग जब इस पर विचार करते हैं, जैसा कल हमने विचार किया था कि भारत के जो सेटलमेंट्स हैं विलेज के सेटलमेंट्स में और अर्बन सेटलमेंट में क्या अंतर है, तो कल ऐश्वर्या ने बताया था कि जो विलेज सेटलमेंट है उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट को लेकर के बताया। अब मैं आज आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि इतना थोड़ा समय का गैप भी कर दिया मैंने, क्या आप लोग बता सकते हैं, मैं ऐश्वर्या से ही पूछूंगा कि अब आप अगर समय मिला होगा कल से लेकर आज तक के बीच में, क्या आपने अर्बन और रूरल सेटलमेंट के बारे में कोई मौलिक अंतर पढ़ा आपने कहीं पर, कुछ आपको निकल के आया? सर ऐसा एग्जैक्ट तो कुछ नहीं, लेकिन यही था कि अगर प्लान चीजें हैं और ऑर्गेनाइज चीजें हैं तो वो अर्बन वाली चीज हो जाएगी। हाँ ठीक कहा आपने कि वो एक अर्बन में, लेकिन क्या बनारस का जो डेवलपमेंट हुआ वो प्लान्ड हुआ है कि अनप्लान्ड हुआ है? बनारस एक अर्बन सेंटर है, वो बीएचयू तो प्लान्ड है, कैंटोनमेंट का इलाका प्लान्ड है, क्या बनारस जो एज सच जो 80 से लेकर के राजघाट तक का जो पूरा इलाका है वो क्या प्लान्ड है कि अनप्लान्ड है, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे, बताइए। अनप्लान्ड है सर, स्टार्टिंग अब है तो वो रूलर थी लेकिन अब वो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हो रहा है। हाँ तो अब इसी को मैं कह रहा हूँ, देखिए यहीं पर शब्दों की बाजीगरी है, किन शब्दों का प्रयोग करके अर्बनाइजेशन बताएंगे, तो हाँ श्योर अर्बनाइजेशन है, वही आपके मैं थे तो पता है, या पता है तो मैं कहूंगा तो आप हाँ हाँ ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कब कोई रूरल सेंटर अर्बन सेंटर में हो जाता है डेवलप, उसका मेन यार्ड स्टिक क्या है, मेन या करस्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी एक शब्द था अंग्रेजी में, एकदम चारित्रिक विशेषता शहर की और गांव में एकदम चारित्रिक अंतर हो जाए, हो सकता है गांव में भी शहर के चरित्र आ जाए, लेकिन शहर का जो चरित्र है उसका मूल चरित्र क्या है वो बताइए, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, आप लोगों के मुंह से जी उज्ज्वल बताइए आप। एजुकेशन और हेल्थ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर जी, इसी के आधार पर हेल्थ तो गांव में भी है सर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटी ठीक, और बताइए सभी बच्चे बताने की कोशिश करें, ये हमारी शिवांगी बताइए आप, शहर में और गांव में चारित्रिक अंतर क्या है? सर पॉपुलेशन बेस्ड भी होता है। नहीं वो तो ठीक कहा आपने, अच्छा चलिए हम इतना सर, जो अर्बन होता है वो मैनेजमेंट के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड होते हैं, मतलब प्लानिंग से रोड बने होते हैं कि कोई किसी घर में ना चला जाए, वहाँ पे नाले व्यवस्थित होते हैं, ये सभी चीजें होती हैं, और मेन होता है कि अर्बन में खेती नहीं होती है और रूरल में खेती होती है। अच्छा कई जगह तो अर्बन में भी खेती होती है सर, उतने लार्ज स्केल पे नहीं होती है, तो उसका छत पर खेती कर दे वो अलग बात है। नहीं अर्बन में जो ऐसे ऐसे अर्बन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जो यहाँ पर फार्म हाउसेस बनाए जा रहे हैं, अर्बन सेंटर्स फार्म हाउसेस में छोटे इलाके में मकान है बाकी में खेती कर रहे हैं लोग, फार्म हाउस दिल्ली में आप जाएंगे तो बहुत से फार्म हाउसेस मिलेंगे, आपने कभी कोई फार्म हाउस विजिट किया है शशि? नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि गांव में तो फार्म विजिट करने का कोई मतलब ही नहीं है, सेम तो होता है, मतलब ही नहीं, मान क्या कहे मौका ही नहीं मिला, ये कहिए मतलब नहीं मत कहा करिए, कहे मौका नहीं है जी सर, मौका भी नहीं मिला। आपने कोई रिसोर्ट विजिट किया है? रिसोर्ट आजकल बड़ा रिसोर्ट, नहीं सर,
रिसॉर्ट एक प्रकार का फार्म हाउस है, जहाँ पर एक छोटी सी जगह पर रिसॉर्ट है, बाकी जगह पूरा फील्ड खुला हुआ है, बहुत वहाँ खेती बाड़ी जंगल पेड़ पौधे और तमाम जीव जंतु हैं, उसमें रिसॉर्ट है। मैं पता नहीं आप लोगों को बताया था कि नहीं, कि मैं एक बार शिरडी से बंबई बाई रोड जा रहा था तो बीच में एक रिसॉर्ट पड़ा था, उसके बारे में बताया था, तो दोबारा बताएंगे तो आप लोगों को लगा रिपीट कर। यस सर, अंडरग्राउंड सर बताया, अंडर जमीन के अंदर हो गया था एकदम जमीन के, जब हम लोग बाहर से देखे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, फिर वो जमीन के अंदर जब वहां गए तो बहुत जबरदस्त वो बनाए हुए थे, सब पूरा एयर कंडीशन था और रहने के कमरे भी थे, सब कुछ मतलब जैसे कोई 5-स्टार होटल है, लेकिन बाहर से देखने में पूरा जंगल दिख रहा था। तो उसको कैसे अर्बन में डिफाइन करेंगे कि रूरल में डिफाइन करेंगे बताइए। एक एक रूरल एरिया का रिसॉर्ट जो कि तमाम मॉडर्न फैसिलिटीज लिए हुए है, जहां सड़क पर कम से कम 50 गाड़ियां जो खड़ी हैं कि इस रिसॉर्ट में हम सब लोगों को जाना है, और रिसॉर्ट पूरा सब अंडरग्राउंड पिलर बना करके, जैसे अजंता और एलोरा की तमाम गुफाएं हो जमीन के अंदर उसमें जाकर के आप, उस तरह से वो बना हुआ था। तो आप आपको अब मैं बता रहा हूं, मैं मतलब मैंने भी सब पढ़ा लिया है, और चूंकि मेरा विषय रहा है ये इतिहास का विषय है, कि कैसे जो है अर्बन सेंटर की सबसे बड़ी विशेषता होती है मार्केट होता है। आप देखें रूरल इलाके में मार्केट जो है बहुत पहले सप्ताह में एक बार लगती थी, 10 गांवों में एक मार्केट होती थी शनिवार को। आज भी अगर आप ट्राइबल इलाके में झारखंड वगैरह के इलाके में जाएंगे तो उन इलाकों में 10-10, 15-15, 20-20 गांवों पर एक मार्केट होती है जो सप्ताह में एक दिन होती है और सब लोग आकर उसको खरीदते हैं। मैं ऐसे गांव में गया हूं झारखंड के। लेकिन शहर क्या होता है, शहर की सबसे बड़ी परिभाषा होती है कि वो एक मार्केट होता है जहां बहुत दूर दूर से आकर लोग अपना सामान बेचते हैं और वहां से सामान खरीदते हैं। अर्थात अर्बनाइजेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कोई चीज एक अर्बन कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट अंग्रेजी का शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद हुआ समूह या समुच्चय, समुच्चय कह लीजिए, एक एक ऐसा समुच्चय जिसमें सब लोग आकर के अपना सामान खरीदे और फिर वहां से सामान लेके चले जाए। अगर इसकी पूरी व्यवस्था डेवलप हो रही है तो उसको कहेंगे उस इलाके का शहरीकरण हुआ। अब बताइए आप लोग हमारे इस परिभाषा से आप लोग सहमत हैं कि शहरीकरण माने, शहरीकरण तभी दिखाई देगा किसी भी इलाके को में, शहरीकरण का ये गुण दिखाई देगा अगर उस इलाके में लोग आकर अपना सामान बेच रहे हैं, वहां पर इकट्ठा हो रहा है और फिर उसी में सामान इतना इकट्ठा हो रहा है कि वहां से दूसरी जगह बिक रहा है, जिसके लिए गंज शब्द का प्रयोग किया। गंज और गोला, बनारस में रहने वाले लोग विश्वेश्वर गंज का नाम सुने होंगे। बनारस के रहने वाले कौन कौन बच्चे हैं यहाँ पर? अनुज तो बनारस में ही रहते हैं, विश्वेश्वर गंज गए हैं अनुज? जी सर, गए कई बार गए सर। दीनानाथ का गोला गए हैं? जी सर, जी सर, कभी चौरा के पास है, कभी चौरा से अंदर दीनानाथ का गोला में कभी बच्चों को अपने मित्रों को लेकर घुमाइएगा जो जरूर सर। अब दिखाइए दीनानाथ का गोला में हिंदुस्तान की कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो वहां ना मिलती है, कोई भी। और बहुत बड़ा गोला है वो, बहुत बड़ा गोला है, मतलब आप मार्केट में खो जाएंगे। आलोक जी एक बार हमारे बच्चों को ले जाइए, आप थोड़ा घुमा लाइए, गोला घुमाइए, मैं ले जाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। और विश्वेश्वरगंज भी जरा इन लोगों को घुमाइए, विश्वेश्वरगंज तो बहुत ही जबरदस्त, वहां पे बहुत ही दो ऐसे महान हमारे प्रभु देव, जो क्या कहूं मैं, मृत्युंजय महादेव और काल भैरव बाबा का दर्शन भी होगा। इन लोगों को काल भैरव का भी दर्शन कराइए, कोरोना काल थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है, बच्चों को बनारस में तो कहते हैं कि बनारस में उन्हीं लोगों को परमिशन होती है रहने की जो काल भैरव जो शहर के कोतवाल कहा। जी जी बिल्कुल एकदम सही शब्द है, शहर के कोतवाल जिसको परमिट देते हैं काशी में वही रह पाता है और वो यहाँ से उन्नति करता है, और कोतवाल नहीं परमिट करते हैं तो काशी में आए मन आपका बहुत ही खिन्न हो जाएगा, आप भग जाएंगे यहाँ से। जी, तो गोला और गंज, अब आजकल
सबसे बड़ा गंज जो है बना हुआ है उसको कहते हैं पहाड़िया, पहाड़िया की मंडी। पहाड़िया मंडी बहुत बड़ी मंडी है, पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी। हाँ, पहाड़िया की मंडी में कभी आप लोग गए हैं? आलू गए हैं आप मंडी में पहाड़िया के? अरे उसमें मेरे मित्र का आड़त है, छेठ आड़त है। हाँ, तो पहाड़िया की मंडी में मैं भी एक बार पढ़ने के लिए जानने के लिए गया तो देखा एक ट्रक जो है वहां पर केला आया नागपुर से, बहुत सुंदर सुंदर केला, उसमें बड़े बड़े केले थे सर। और ट्रक के ऊपर एक आदमी बैठ गया और ट्रक के बड़े बड़े जो केले के उसको क्या कहेंगे, मतलब क्या डंठल या गोद या गोद या जो भी कहते हैं, जिसे एक एक में डंठल में कम से कम 50 केले हुए या 100 केले हुए, बिल्कुल उसको उठा करके वही ट्रक के ऊपर से वो बोली बोलता था 10 रुपया 20 रुपया। फिर उसके बाद नीचे बैठे हुए जो किसान लोग थे या जो व्यापारी थे वो बोली लगाते थे 15 रुपया, फिर 16 रुपया 17, ऐसे उसके बाद कोई नहीं मिला तो खरीद लिया, ऐसे करके वहां बोली करके वो सामान। और आया कहाँ से? नागपुर से आया। आया कहाँ से? ये आपका जो बिहार का जो इलाका है जहाँ से वो लड़का नहीं, हमारे उम्र सबसे बड़े थे वो वो मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था उनको, हाजीपुर है, हाजीपुर। और वहाँ के नेता का क्या नाम था मौसम वैज्ञानिक का, जिनसे स्वर्गवासी हो गए, रामविलास पासवान सर। हाँ, उनका लड़का देखिए कैसा हीरो जैसा है, लगता है आप लोगों को लगता है। हाँ, चिराग, लेकिन उसमें देखिए कैसा नस्ल सुधार भी हुआ है बेचारे में। उनकी माँ जो है पंजाबन है, वो जो है वो वहाँ के हैं, क्या कहते हैं, पासवान जी हैं। दोनों का क्रॉस होने से कैसा सुंदर बच्चा पैदा हुआ है। और वो फिल्मों में भी बहुत अपनी किस्मत अजमाए। और मैं उनसे मिला था, रामविलास पासवान और उनके परिवार से मैं मिला हूँ। रामविलास एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो कभी चुनाव हारे ही नहीं जी, दिखने में बहुत सुंदर थे, लंबे थे, हमारे ही इतने लंबे थे, थोड़ा रंग सांवला था उनका और बहुत अच्छे थे। तो बहरहाल देखिए वहां एकदम केला का बड़ा भारी केंद्र है, और उधर से अगर आप लोग बाई रोड अगर क्रॉस करेंगे पटना से आगे पूरा बिहार, छोटे छोटे नन्हे नन्हे केले जो है दुकानों पर सड़कों के किनारे मिल जाएंगे बिकते हुए, जो बहुत ही खाने में बड़ा मजा देते हैं, अच्छे लगते हैं। बहुत बड़े बड़े केले होते हैं। तो मैं समझा रहा था आपको शहर और बाजार के बीच के संबंध को, कि बाजारीकरण जिसको कहते हैं मार्केटाइजेशन, मार्केटाइजेशन इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन। ठीक है, कोई भी विलेज सेंटर अर्बन सेंटर का क्वालिटी लेगा अगर वो विलेज सेंटर एक बाजार का केंद्र होने लगे, और जैसे ही वो बाजार का केंद्र होता है तो वहां पर क्या होता है, सेटलमेंट्स होने लगते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट, लोगों की बस्तियां बसने लगती हैं। और यद्यपि अपने राणा पीवी सिंह का लेक्चर आप लोग सुने होंगे, वो तो भगवती के बारे में बोल रहे थे, राणा पीवी सिंह बनारस के बड़े भारी एक्सपर्ट हैं। अब ये तो मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा कि अपने वजन के बराबर किताबें लिख डाले हैं, क्योंकि बहुत किताबें लिखे हैं, 52 किताबें, इतना पेपर, अब गजब लिखाड़ू आदमी हमारे यहाँ के, मतलब रिटायर्ड प्रोफेसर है लेकिन बहुत ही विद्वान है। उस दिन 52 भगवतियों के बारे में जब बोले थे तो हमारे क्लास के बच्चे सुने ही होंगे उनको, इतना उनको नॉलेज था। उन्होंने बनारस को प्लान्ड सिटी बताया है, प्लान उन्होंने कि बनारस एक प्लान्ड सिटी, प्लान्ड सिटी में उन्होंने क्या बताया, कैसे प्लानिंग हुई थी, उन्होंने बताया कि ये एक मंडप वगैरह का कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूंगा कि आज हमसे कोई एक लड़का पूछ रहा था, कौन अनुज, तुम पूछ रहे थे क्या, अनुज आप पूछ रहे थे कि बनारस, हाँ सर, कल पूछ, अच्छा कल आप पूछे थे कि सर हम बनारस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो कैसे काम करें। तो बनारस को आपको डिस्कस करना पड़ेगा अगर आप राणा पीवी सिंह और उनके गुरु प्रोफेसर रामलोचन सिंह, जो गाजीपुर के रहने वाले बहुत बड़े विद्वान थे, बीएचयू में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, बहुत ही एडवांस, उसको एडवांस सेंटर कहते हैं हमारे बीएचयू में, जो बहुत ही डेवलप्ड सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री का, एंशियंट में हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी वाला है, जो हम लोगों के डिपार्टमेंट के ठीक सामने है, एडवांस सेंटर कहते हैं यूजीसी के तहत। तो उन्होंने, उनके गुरु रामलोचन सिंह ने भी बनारस पर पीएचडी किया है, 1956 की पीएचडी है। आप जो ये कहते हैं जीएसटीओआर में
रामलोचन सिंह और बनारस करके देखेंगे तो तुरंत उनकी पूरी पीएचडी निकल के आ जाएगी। अनुज, ये बात मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ। जी सर। हाँ, आप जीएसपीआर से उसको खोल करके उसको पढ़िए। उसे एक मंडल थ्योरी है। मंडल माने होता है, जैसे कि आपने जब विजयनगर एम्पायर के बारे में जब उस दिन प्रोफेसर पुंडीर का लेक्चर सुना था, तो कैसे एक खास किस्म के वो रेडियल रोड्स की बात करते हैं। लेकिन बनारस के मंडल की चर्चा करने में यहाँ भी एक सेमी सर्किल की चर्चा होती है, जैसा कि प्रोफेसर पीबी सिंह ने बताया कि बनारस का दशाश्वमेध जो है वो मेन केंद्र है। दशाश्वमेध वैसे ही केंद्र है जैसे डीएचयू का सेंट्रल ऑफिस, जैसे विजयनगर एम्पायर का जो एक सेंट्रल प्लेस जो डिस्कस हम दिन कर रहे थे, 26 स्क्वायर मीटर के शहर का एक केंद्र जहां से सभी रोड वहां तक घूम करके आती है। बनारस के दशाश्वमेध को आप ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि कोई लड़का कुछ मैसेज हमें भेज रहा है क्या? अभी तो ये नहीं पता सर, लेकिन अब जा रहा होगा, मैसेज कोई कर रहा होगा। हाँ, हमें कोई लड़का मैसेज किया है, क्योंकि हमारे दोनों मोबाइल से हमको पता लग जाता है कि क्या है। जी जी, पुष्पिता ने सॉरी सर, ड्यू टू हैवी रेन देयर इज कनेक्शन प्रॉब्लम। अच्छा, ये इन्होंने मैसेज किया, कोई बात नहीं। यहाँ बारिश भी हो रही, बहुत तगड़ी बारिश हो रही है, तो बारिश का भी एक आनंद भी है। और अगर आप थोड़ा युवा मन है, बच्चे हैं आप, तो बारिश में बहुत आनंद होता है। आप सभी लोग बीएचयू के पक्के फर्श पर बैठे हुए हैं और प्रकृति का आनंद लीजिए। और मुझे याद है सर, एक बार मैं जस्ट ऐसे आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप जब पढ़िया मंडी की बात की, तो पढ़िया मंडी की एक बात, हम लोग बाइक से ट्रेवल कर रहे थे, बाइक से यहाँ से जा रहे थे लद्दाख, ठीक है जी। अच्छा, तो लद्दाख। हाँ, यूट्यूब पे है सर, एक चैनल है वाराणसी बाइक, सौभाग्य वाराणसी बाइकर्स करके नाम है। तो उसपे क्या है कि हम लोगों के एक झील बीच में एक झील पड़ी थी जिसमें रोड समझ नहीं आ रहा था, तो वो झील को पार करते हुए हम लोग, पानी थोड़ा सा आ गया था उधर से झरने से, तो हम लोग इधर से, ये बात लद्दाख की बात कर रहे हैं, लद्दाख से पहले, बहुत बर्फबारी हो रही थी, बहुत बर्फ गिर रहा था, रोहतांग के ऊपर जा रहे थे। अच्छा, पहाड़िया की बात बता रहा हूँ कि पहाड़िया जब मैं हमारी टीम पूरी हम लोग पहुंचे, थोड़ा थक गए थे, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा रेस्ट किया जाए, 3:15 बज रहा था, तो हम लोग मंडी पहुंचे। मंडी जब पहुंचे तो मंडी वो जिला जो हिमाचल प्रदेश का जिला है उसको कह रहे हैं मंडी, मंडी जगह कुल्लू मनाली की पहले है मंडी, मंडी हिमाचल प्रदेश में एक राज्य है मंडी जी। मंडी में क्या होता है कि ढेर सारे सेब जो होते, एप्पल्स जो होते वहीं से आते हैं ना। तो वो क्या हुआ, पेड़ जितने हर घर में आपको सेब की पेड़ मिल जाएगी, तो हम लोगों ने वहाँ पे उस व्यापारी से कहा कि भैया ये बताइए कि भैया ये हम लोग को सेब खानी है, अगर आप चाहें तो पैसा ले लीजिए, बताइए कितने का है, तो खाना है तो खा लीजिए, लेकिन हम पैसे नहीं लेंगे। तो बोले क्यों, ये जो ट्रक लोड हो रहा है ना, ये यूपी, हम लोगों ने देखा गाड़ी का नंबर जो था UP 65, हम लोगों ने ये कहाँ से आ रहा है, तो बोले कि पहाड़िया मंडी जाएगा, वहाँ का वो कोई ठेकेदार है, वो खरीद लिया है और यहाँ से सेव जा रहा है वहाँ। अच्छा, तो बोला गया कि भैया कितना देंगे तो बताइए, हम लोग भी ले जाएं। तो कह रहे कि अरे आप वहीं जा ही रहा है, ले लीजिएगा, और लेना है तो यहाँ 5 पेटी से नीचे नहीं मिलेगा, 5 पेटी जो जितने किलो की हो, 5 पेटी से नीचे हम लोग देंगे ही नहीं। तो हम लोगों ने बोला कि कितना प्राइस होगा, तो प्राइस भी नहीं बताए। हम लोगों ने बोला कि क्या मतलब, एक तरीके से हम लोग 10-12 लोग थे, तो उन्होंने बोला कि सभी लोग एक एक दो टो खा लो, तो एक एक एप्पल की ग्राम जो होते हैं 200-250 जो ग्राम जो भी हो, 100 ग्राम, तो ऐसे 10-12 तो हम लोगों ने उठाए, और सभी लोगों ने 2-2 टो उठाया, मतलब 3-4 किलो हम लोग खा गए। तो उन्होंने पैसा वैसा कुछ नहीं लिया, ये बोले कि आप लोग लेना है तो खा लीजिए, लेकिन 5 पेटी से नीचे हम लोग यहाँ बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेन हब है यहाँ का, और यहाँ से कानपुर आपके पूर्वांचल का जो मंडी है, उन्होंने ये नहीं कहा पहाड़िया मंडी, उन्होंने ये कहा पूर्वांचल की जो मंडी है वो वहां जा रही है, ये ट्रक लोड हो रहा है। तो वहां पे हम लोगों ने खाया, और वहां पे राफ्टिंग वगैरह की हम लोगों ने, राफ्टिंग करते हुए जब हम लोग जब निकले, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि
ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा उनसे मुलाकात भी हुई, फोटो वोटो भी हुआ। वो बोले कि चलिए जब भी आया कीजिए, आप लोग इसी रूट से जाएंगे, आप हम लोगों से जब भी मन करे यहाँ से सेव खा लीजिएगा। तो हम लोगों ने बोला ठीक है भैया, आपका नेचर बहुत अच्छा है, बातचीत हुआ, फोटोग्राफ्स वगैरह हुआ, यादगार पल था। तो तभी हमें समझ आया कि पहाड़िया मंडी जो है पूर्वांचल की जो बहुत बड़ी मंडी है। बताइए, कानपुर आगरा की गाड़ी और पूर्वांचल हमारी पहाड़िया मंडी की गाड़ी वहां पहुंच जा रही है लोड होने के लिए सेव। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। सो उज्जवल, तुमने जो भेजा है ना, जो वेबसाइट भेजा, वो बहुत बहुत ही औसम वेबसाइट है, मुझे बहुत पसंद आया। और ऐसे ही उसमें नवनीत ने बहुत कमेंट अच्छा रिव्यू दिया है, और वो हमें ऐसा लगता है वो वेबसाइट तुम्हारी है, वेबसाइट है ऐसा। हाँ सर, हमने लोग उसको डिजाइन किया है। और मैं ये कहूंगा कि उस वेबसाइट के थ्रू उस पे आप लोग, मैं ये चाह रहा हूँ ना कि जल्द से जल्द तुम लोग आके डिपार्टमेंट में हमसे मिलो, फिजिकली सामने फेस टू फेस बात हो। तो इस मैं इन सब चीजों पे चर्चा करना चाहता हूँ सर के आशीर्वाद से, कि ये जो जैसे लुम्बिनी हो गई, फिर कुशीनगर हो गया, शाहनाथ और गया हो गया, इन सब चीजों पे भी और हम लोग एक प्लानिंग करें, ताकि हम लोग उस जैसे तुमने वेबसाइट बनाई ऐसी भी एक, या तो हो सकता है उसी वेबसाइट के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। उसी वेबसाइट के थ्रू हम एक दो टीम बांट देंगे, दो टीम में से अपने अपने कॉन्टेक्ट में जितने लोग हैं मेल करें, फेसबुक पे अपलोड करें, सबको ऑल ओवर वर्ल्ड से जुड़े लोग, और ये कहें कि इस वेबसाइट के थ्रू आपको जब भी यहाँ यहाँ घूमना हो, ये पैकेज है हमारा, और ऐसे ऐसे चीजें। तो और भी एक बनारस में BHU के थ्रू हमारे हेरिटेज मैनेजमेंट के स्टूडेंट एक टूरिज्म का एक प्लान लेकर चलेंगे, जिससे अगर और भी जैसे ऑफिशियल अगर कुछ परमिशन चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे, और गुरुदेव तो है ही, तो और अच्छा रहेगा। हाँ, एक तैयार करना होगा सर जी। बहुत सही, एक तरह का स्टार्टअप है ये, स्टार्टअप बच्चे एमए करते ही स्टार्टअप खोल दिए। सर उज्जवल ने एक वेबसाइट भेजी है, जो अभी मैसेज लेक्चर में चल रहा था, तो मैसेज आया, तो मैंने उस वेबसाइट को देखा, बहुत अच्छा वेबसाइट, इसका खुद डेवलप किया हुआ वेबसाइट है उज्जवल का। तो कल जो है वो फिर प्रियंका मैम का क्लास होगा हमें लगता है, वो देंगी, आप क्लास आप लोग करिए, फिर जैसा होगा फिर हम भी आप लोगों से संपर्क करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत एक घंटा समय दिया हम लोगों के बीच, इतना बोले जानकारी, हम लोग का सौभाग्य है कि आप लोग को, आपको सुनना हम लोग का सौभाग्य, हर बार बारम्बार हम लोग धन्यवाद कहें तो भी कम है। और सर, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेक्चर में, ये कल परसों जो भी बनारस में, अनुज सुन रहे हो ना, आकर शशिकांत और जो भी बनारस में है आके हमसे मिलो सामने, और भी कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है तुम लोग को, डिस्कस करनी है, तो आकर जल्द से जल्द जितनी हो सके गैदरिंग। आलोक, हम ये चाहते थे कि हमारे जो हेरिटेज मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, इन लोगों का सप्ताह में एक दिन आप क्लास लीजिए, और इन लोगों को देख लीजिए कि कंप्यूटर का कहाँ तक नॉलेज है इनके पास, और कंप्यूटर की लिटरेसी अगर हो भी तो कोई बात नहीं, इन लोगों से या तो ऑनलाइन या वहां बुला करके थोड़ा कंप्यूटर के बारे में और मॉडर्न जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आपने 4 साल का कोर्स किया है, बीटेक किए हैं, तो ये भी मैं चाहूंगा कि बच्चों से जरा डिस्कस करिए, क्योंकि कंप्यूटर से एक्सपर्ट होने पर ये बच्चे अच्छा अपना स्टार्टअप खुद भी खड़ा कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसीलिए इन लोगों को एक साथ बुला रहा हूँ, जैसे जब भी बनारस सब लोग विजिट, जैसे हॉस्टल में सभी ऐश्वर्या है, जब भी मैं बुलाता हूँ ऐश्वर्या बहुत अच्छी है, तुरंत आती है कि हाँ सर ये बात है, हाँ बताइए मैं आ रही हूँ, तुरंत आती है, और उसको जो भी मैं वर्क देता हूँ, जो भी चीज बात डिस्कस करता हूँ, वो तुरंत उस बात को समझती भी। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बनारस में एटलीस्ट अगर आ जाए तो उसका एक टाइम टेबल बना लीजिए, सप्ताह में एक दिन का कंप्यूटर से और डिजिटाइजेशन पर चर्चा करिए। अभी उज्जवल भी हॉस्टल में आ जाते हैं, तो सब बच्चे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, जिनको अच्छी जानकारी भी है, सब मिल करके अपना इस प्रकार की जानकारी और देना चाह रहा था कि मेरी, जैसे कल मैंने आपसे बोला कि 1.5 घंटे लगातार, 1.25 घंटा बहुत अच्छा एक बातचीत हुई मेरी कुछ लोगों से, मैं ज्यादा नाम तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन अब ये अक्टूबर के मिड सेशन में इन लोगों का एक 2 जगह का भ्रमण होना है, इन बच्चों का मैं पहले से अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, 2 जगह भ्रमण होना है, और उस जिस जगह साइट पे जाएंगे वो विजिट करके, जो एक्सपर्ट हमारे साथ जाएंगे इन लोगों के साथ, तो वो उसी साइट पे ही इन लोगों का क्लास लेंगे, ये जान लीजिए।
आत्मा राम आप कैसे हमारे क्लास में आ गए, आत्मा राम नामक एक लड़का ज्वाइन किया है। आत्मा राम ये हेरिटेज मैनेजमेंट का क्लास है, आप कोई जान नहीं पाए सर, ऐसे सोचे कि सर क्लास चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको लगा कि वही वेबसाइट गुरुजी हेरिटेज में मतलब गूगल जिसका वही एड्रेस सेम सब जगह रखे हैं, तो जरा देखे क्या कर रहे हैं गुरुजी, यही सोच के आप आए।